morning, ma'am. Good morning, dear. Welcome to your English class. Ma'am, what we are going to do study today? Today I'm going to teach you how to write a paragraph. Oh, that's great. Means we are going to learn today paragraph writing. Yes, dear. Absolutely correct. So let's begin to learn. Sure, ma'am. Let's learn today paragraph writing. Hello, student. Here I will tell you few basic steps and tips to write a good paragraph. So first of all, when you are attempting to write a paragraph, you should never be in a hurry. Take your time. Draw an outline. Outline means thinking. Points banana. Ideas banana. Then the implement is first provided with nutrition. So let's begin to learn how to write a paragraph. See this, a child is first provided with nutrition, care, affection and education as well. It is done with an object or purpose to enable him utilize his own insight, his physical, mental and emotional powers with free will for the good of entire animal and plant kingdom. Thus the child keep him free from physical worries and learns maximum utilization of insight and sublimity. In the same way, a paragraph implants an idea or a thought in the heart of its reader, consisting of individual, social, political, financial walks of life. इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये था, जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसे प्रोवाइड की जाती है उसे जरूरत का सामान जो उसका होता है, उसका न्यूट्रिशन, उसके केयर, उसका अफेक्शन, उसके एजुकेशन, ये सब चीजें उसको स्टार्टिंग में प्रोवाइड की जाती है और जो उसके लिए जरूरी होती है। फिर धीरे धीरे जिससे उसकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पास अच्छे से हो जाती है, ठीक हो जाती है, वैसे ही एक पैराग्राफ को कुछ चाहिए होता है जिससे उसका रीडर है, जब उसे वो पढ़े, चाहे वो इंडिविजुअल पढ़े, सोशली पढ़े, प्लान्स फाइनेंशियल पढ़े, कैसे भी उस तरीके से उसे पढ़े, वो उसकी इम्प्लेंट होना चाहिए, उसका जो थॉट है वो उस तक पहुंचना चाहिए। जिसका मतलब क्या होता है, अ पैराग्राफ रिप्रेजेंट एप्टली अ सिंगल आइडिया विद इट्स पैरामीटर एंड लिमिटेशंस। जो पैराग्राफ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल आइडिया होता है जिसके अपने अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। स्किल आर्ट पेनिट्रेशन चर्निंग जनरलाइजेशन एंड स्टिम्युलेटिंग डिवाइस आर यूज इन अ पैराग्राफ। Now, what is penetration? Penetration होता है किसी भी चीज की एंट्री करना, एक्सेस करना। And churning मतलब होता है basically आपका different word होता है, but इस में जैसे like move out violently होता है, but here the churning means to make butter from milk, and generalization means होता है to general give statement that is based on the fact, and stimulating device. स्टिम्युलेटिंग का मीन होता है इंटरेस्ट आना, प्रोवोक करना। तो आपके पैराग्राफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे स्किल्स होती हैं, आर्ट्स यूज होती हैं जिससे आपको उसमें इंटरेस्ट आए, प्रोवोक हो, बटर लगे, आपको लगे कि दैट इज इट इज अ वेरी गुड एंड इट इज गिविंग अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। लाइक एज अ निडल इज द बेस्ट फिजिकल डिवाइस टू पेनिट्रेट। जैसे पेनिट्रेट मीन्स होता है निडल होती है, वो एक बहुत बेस्ट फिजिकल डिवाइस होती है किसी भी चीज में यूज करने के लिए। वैसे ही पैराग्राफ क्या होता है, अ ब्रीफ प्रिसाइज वेटी एंड टची अप्रोच एड एडिशनल वैल्यू टू द पैराग्राफ। अगर आपका वो ब्रीफ और कंसाइज हो, ब्रीफ और कंसाइज मीन्स होता है वेरी स्मॉल लाइक समरी शॉर्ट में, और उसका थोड़ा वेट हो मीन्स वट एवर द सेंटेंसेज वर देयर इट इज वेरी इफेक्टिव। आपके जो सेंटेंस होते हैं वो इफेक्टिव होने चाहिए और जो उसमें अप्रोच जो आपने किया है वो इससे एक और ही वैल्यू एड कर देते हैं पैराग्राफ में। अब इसे और इजी तरीके से समझते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस विच रिवॉल्व अराउंड द वन सेंट्रल आइडिया। पैराग्राफ क्या होता है, आपका अलग अलग ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है जो एक ही सेंट्रल आइडिया के आसपास घूमता है। दिस मीन द सेंटेंसेस मस्ट बी कनेक्टेड लॉजिकली विद ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है, जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। उन सेंटेंसेस को क्या होना चाहिए, उनके बीच में यूनिटी होनी चाहिए, उनका प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, कोई रैंडम ऑर्डर नहीं होना चाहिए कि लाइक लास्ट का स्टार्टिंग में आपने डाल दिया। इट मस्ट हैव वैरायटी, उसकी वैरायटी होनी चाहिए सेंटेंस में, वो एक मोनोटोनस नहीं लगना चाहिए। मोनोटोनस होता है रिपीटेशन या डल साउंड करना, और बेसिकली इसकी कोई लेंथ प्रॉपर नहीं होती, बट 8 to 10 सेंटेंसेस में बेसिकली आपका एक पैराग्राफ काउंट होता है, उसके अंदर आपके 8 to 10 सेंटेंसेस आते हैं।
Now there are few template by which you can easily write in paragraph. सबसे पहला आता है आपका define. आपके जो heading दिया है, title दिया है, उसको define करो, उसका एक outline बनो. अगर आप आउटलाइन बनाते हो, आउटलाइन से सबसे पहले आपको थिंकिंग स्टार्ट होती है, उसमें आपके आइडियाज आते हैं, पॉइंट्स बनते हैं. देन प्रॉब्लम, रीड द इफ द टॉपिक इज अबाउट समथिंग, सो थिंक अबाउट इट्स प्रॉब्लम, इट्स सॉल्यूशन एंड इट्स बेनिफिट. एंड लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है कंक्लूजन, वो हमेशा ट्राई टू राइट इन अ पॉजिटिव वे. इट गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द रीडर हु इज रीडिंग द पैराग्राफ. पैराग्राफ सी, a series of sentences that are organized and are related to single topic. Outline वही जो मैंने अभी आपको बताया कि thinking और ideas based होते हैं. अब paragraph को आप तीन अलग अलग parts में divide करते हो, introduction, body and conclusion. Introduction में सबसे important आता है purpose, आप वो paragraph क्यों लिख रहे हो. और सबसे important होता है जो introduction होता है वो आपका short होना चाहिए, ज़्यादा lengthy नहीं होना चाहिए, brief होना चाहिए, concise होना चाहिए, means short होना चाहिए. और आप उससे क्या expect करते हो. बॉडी में आप बेसिकली डिटेल्स बताते हो अबाउट द पैराग्राफ जिस बारे में आप लिख रहे हो, उसके कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं, कुछ रीजंस होते हैं, कुछ आप एग्जांपल्स एड ऑन कर सकते हो. लास्ट में कंक्लूजन आता है जिसमें आप अपना पैराग्राफ का एंड प्रोवाइड कराते हो, मींस यू आर टेलिंग बाय द स्टेटमेंट दैट नाउ इट्स द एंड ऑफ द पैराग्राफ. और वो हमेशा पॉजिटिव वे में होती है. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल बाय विच यू कैन इजिली रिलेट दोज अबव ऑल द पॉइंट्स विच आई डिस्कस्ड विद यू. See the first yoga. Yoga is the topic of this paragraph. Means it's a heading of the paragraph. Yoga is an ancient practice which is helpful for physical and mental well-being of mankind. In this modern age, the graph of happiness has gone considerably down and stress level are all-time high. Due to this, health-related issues have become very common. Yoga can be very beneficial under these circumstances. The reason being it involves both physical and mental exercise. Regular practice of yoga can reduce stress, anxiety, depression and other mind-related issues. It helps shapes your body properly, thereby decreasing any health-related issue. Realizing the true power that yoga has to cure a physical and mental ailment, we must start practicing it on a regular basis to improve overall quality of our life. इन दिस पैराग्राफ, अभी आपने थोड़ी देर पहले कुछ टेम्पलेट पढ़े हुए थे, डिफाइन, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम, बेनिफिट्स, दीज ऑल कंक्लूजन. अब आप देखोगे इसका हर सेंटेंस एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे में आपस में मिक्सड है. हर कोई सेंटेंस आपको रिलेट कर रहा है एक ही सेंट्रल आइडिया से, जो है आपका योगा. बीच में प्रॉब्लम्स बताई हैं, उनका सॉल्यूशंस बताया है, एंड देन लास्ट में आपको एक पॉजिटिव कंक्लूडिंग लाइन दी है. We must start practicing it on a regular basis to improve overall quality of our life. So you all seen that every sentence is independent on each other. Har koi ek dusre pe dependent hai. Har ek sentence dusre sentence ka part cover up kar raha hai. Sari cheeze basic hai. Aur reader sabse important hota hai. Starting aur ending. आपके बिगिनिंग और स्टार्टिंग सबसे अच्छी और अच्छे स्टेटमेंट्स के साथ स्टार्ट और एंड होनी चाहिए, जिससे जो रीडर है उस पर आपका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़े. क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो सामने जो रीडर उसे रीड कर रहा है, इट विल बी वेरी मच अट्रैक्टिव टुवर्ड्स योर पैराग्राफ. बिकॉज बेसिकली स्टार्टिंग 2-3 लाइन से ही हम गेस कर लेते हैं कि दैट हाउ आर कमिंग अपकमिंग पैरा फुल पैराग्राफ इज दैट. सो ऑलवेज ट्राई टू राइट अ वेरी गुड बिगिनिंग एज वेल एज द पॉजिटिव end. So that's all about this lesson. Thank you for watching the video. If you are having any doubts or suggestion related to the given topic, please write in the comment section. And if you like the video, and don't forget to subscribe the channel for the latest update.